गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये हमारी लास्ट क्लास होगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 33 क्वेश्चंस तक कर लिया था, और 33 क्वेश्चन के बारे में हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमने देखा था कि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये कंसंट्रेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में गाइस करा दी थी। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं गाइस? 34th क्वेश्चन की बात करते हैं। और 34 क्वेश्चन को देखते हैं करने से पहले क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन बोलता है 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। यानी कि आपको NaOH के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया आपको गाइस? NaOH के बारे में बताया है, और बोल रहा है कि अगर 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O में, तो NaOH हमारा क्या है? NaOH है हमारा सोल्यूट। क्या है गाइस? हमारा ये सोल्यूट है 36 ग्राम ऑफ H2O। H2O हमारा क्या है? H2O हमारा है गाइस सोलवेंट। यानी कि हमें मास ऑफ सोल्यूट भी दिया है और मास ऑफ सोलवेंट भी दिया है। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का भी और वॉटर का भी। Also determine the molarity of solution. Specific gravity of solution is 1 gram per ml. ये question जो है guys, ये question मुझे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी space जो है वो sufficient नहीं है। इसके लिए हम चलते हैं guys अपने question पे, यहाँ पे इस screen पे चलते हैं, right? तो यहाँ पे इस question को करते हैं solve। देखिए question क्या बोलता है। Question आपको बोलता है कि 4 ग्राम आपके पास NaOH है। क्या है guys? 4 ग्राम NaOH है। एंड क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास 36 ग्राम है H2O, 36 ग्राम है H2O, और मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। किस किस का? NaOH का भी पूछ रहा है और आपसे वॉटर का भी पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है गाइस। अब देखिए मोल फ्रैक्शन NaOH का कैसे निकलेगा, कैसे निकालेगी मोल फ्रैक्शन NaOH का गाइस? अगर मोल फ्रैक्शन में NaOH का लिखूं तो NaOH का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर। यही होता है मोल फ्रैक्शन किसी भी स्पीशीज का। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है गाइस, वो मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल्स पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने गिवन डाटा से जो है यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को मैंने NaOH सफिक्स में लगा दिया, जिससे कि पता लग जाए कि भाई ये N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है। वो इक्वल्स टू हो गए गिवन मास ऑफ NaOH, है ना, अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। गिवन मास जो NaOH का है वो है गाइस 4 ग्राम। कितना है वो? 4 ग्राम है। और NaOH का जो मोलर मास होता है गाइस वो होता है 40। कितना होता है वो? 40। 4 से 40 कटा आया 1/10, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मेरे पास आए गाइस 0.1। ये आगे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर निकालते हैं, वो भी गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ वॉटर के होगा। गिवन मास है वॉटर का 36 ग्राम और मोलर मास होता है वॉटर का 18 ग्राम। कितना होता है गाइस? वो 18 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर आए हमारे पास 2, 18 × 2 = 36। अब बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सफिक्स में क्या लिखेंगे? NaOH इक्वल्स टू NaOH अपॉन N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2O। बात क्लियर है? N ऑफ NaOH कितने आए? 0.1, और यहां पे कितने आए? 0.1 + 2, यानी कि 0.1 अपॉन
2.1, पॉइंट से पॉइंट काट दे तो यहां पे आया गाइज 1/21। कितना आया गाइज यहां पे 1/21। बात समझ में आती है? ये तो आया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। किसका आया गाइज ये मोल फ्रैक्शन? NaOH का आया। अगर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की, किसकी बात करते हैं? वाटर की, तो वो किसके होगा? N ऑफ वाटर। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी को ऊपर रखो, बाकी नीचे तो टोटल रखना ही है। यानी कि N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2O। N H2O कितने आए? 2/0.1 + 2 = 2/2.1 = 21/20. यानी कि मोल फ्रैक्शन आया इसका 20/21 और इसका मोल फ्रैक्शन आया गाइज 1/21। इनको फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 21 से इसको डिवाइड करते हैं एक को, तो पॉइंट लगाएगा एक जीरो आएगा, कुछ बात नहीं बनेगी। यानी कि एक पॉइंट लगा के जीरो लगाई, कोई बात नहीं बनी, 10 आया। फिर एक पॉइंट लगा के एक जीरो लगा ली, एक जीरो यहाँ लगा दी, 100 पे चलेगा, तो 100 पे चलेगा गाइस ये लगभग लगभग चार बार। कितनी बार चलेगा? लगभग लगभग चार बार, क्योंकि पांच बार तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आया 0.04। क्या आया इसका? 0.04। और अगर इसकी बात करें, यहां पे भी नहीं चलेगी, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? 0.10 लगानी पड़ेगी, 200 हो जाएगा। और यहां पे चलेगा ये 21/9 कितना होता है गाइस? 21/9 होता है 210। कितना होता है? 210। पर 210 पे तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम ही 200 है। तो हम क्या करेंगे? 8 टाइम चला देंगे। तो 0.8 आया इसका। किसका आया भाई? 0.8 इसका आया। यहाँ पे भी लिख दोगे, इतना भी छोड़ दोगे तो भी वो राइट आंसर है, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी वो सही आंसर है। क्लियर है गाइस? ये लिख लीजिए। ये लिखने के पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें मैंने मोल फ्रैक्शन तो हरेक का निकाल दिया, अब आप देख लीजिए। कर लीजिएगा इसको जल्दी, क्वेश्चन को लिखिए, या क्वेश्चन तुम्हारे पास मैंने पीडीएफ में भेजा हुआ है, सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन है यहां से ये और ये। ये डाटा जो है गिवन है, ये आपने लिखा है इसका फॉर्मूला, ठीक है गाइस? ये यहां पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, राइट? एंड गो। लिखिएगा इस फटाफट लिखिए, फिर आगे चलते हैं, है ना? इसको लिखिए, ये गिवन था गाइस हमें। दिस इज गिवन, दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है गाइस? दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। क्लियर है? लिखिए फटाफट।
लिखिएगा इसको, फटाफट लिखिए, फिर आगे चलते हैं। करिए गाइस फटाफट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज, यहाँ पे आपके पास दो तो आंसर आ चुके। इसके बाद अभी एक और चीज निकालनी है, वो भी निकालेंगे। एक आपके पास आ चुका गाइस, ये फॉर्मूले से सवाल आया। एक आपके पास यहाँ से आया, ठीक है। आगे चलिए, ये चलेगी गाइस नाइंजा टाइम्स। पॉइंट नाइन, ठीक है। गाइज ये तो हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, इसको फ्रीज करके लिखना। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ये हमें मोलैरिटी निकालने के लिए और बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है गाइज? मोलैरिटी निकालने के लिए और बोल रहा है। अच्छा बताओ मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी निकलेगी गाइज, मोलैरिटी बराबर क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है आपके पास, प्यारे बच्चों सॉल्यूट तो है आपका NaOH। क्या है आपका? NaOH। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आओ प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O किसके बराबर होगा गाइस? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड वॉल्यूम ऑफ H2O। अब यहां पे एक चीज और देखना कि इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। ये जो होती है गाइज, ये होती है डेंसिटी। क्या होती है प्यारे बच्चों? ये डेंसिटी दी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी भी है। और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना प्यारे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी के। और प्यारे बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेंसिटी, अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी को जो उसने यहां पे दिया है प्यारे बच्चों,
इसने यहाँ पे डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन बोला है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है उसको डेंसिटी ही बोलते हैं। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लगी, वो चीज़ क्या पता लगी कि आपके सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वही डेंसिटी भी होती है। क्या होती है गाइस? वही डेंसिटी भी होती है, राइट। अब आपका वॉल्यूम जो होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जो है प्यारे बच्चों वो है 4 ग्राम और सॉल्वेंट का मास कितना है? 36 ग्राम। कितना है गाइस? 36 ग्राम। तो 4 + 36 g/1 डेंसिटी जो आपको दी है प्यारे बच्चों वो दी है 1 g/mL, 1 g/mL। तो ग्राम से तो ग्राम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 40 mL। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है प्यारे बच्चों? 40 mL आया। अब चलते हैं आगे की तरफ। मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितने हैं? 0.1 है, यही तो नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब इसको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। वो आए मेरे पास 0.1 अपॉन 40 mL। अगर ml में होता है तो यहां क्या करते हैं? 1000 से करते हैं मल्टीप्लाई, 10 से, ये 10 खत्म। आया क्या? 0.1 × 100/4, राइट। उसके बाद 2 से काटना है दोनों को, 2 × 50 × ऊपर क्या बचा? 0.1 × 50/2। 0.1 × 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.1 में 10 की मल्टीप्लाई होगी तो जी खत्म, 1 हो जाएगा। ये बचा 5/2, यानी कि यहाँ से कितनी आई गाइज? 2.5 मोलर इज योवर मोलैरिटी। 2.5 मोलर क्या आई गाइज? आपकी मोलैरिटी आई। ये आ गाइस आंसर, इसको लिख लीजिए। ये आपका सेकंड पार्ट, मोलैरिटी, राइट। ऐसे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर थी वो थी डेंसिटी से निकालना। किससे निकालना गाइस? डेंसिटी से निकालना। और डेंसिटी में चीजें जो दी हुई है वो आपको डेंसिटी स्पेसिफिक ना देके क्या दी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया गाइज? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन। करिए इसको फटाफट। बताओ ऐसे सवाल मैंने आपको पहले कराए कि नहीं कराए? यहां से आपको पता लगेगा कि चीजें कितने आपके हक में है, चीजें आप कितनी जानते हो, है ना। यहाँ पे ml में है तो यहाँ 1000 से गाइज मल्टीप्लाई कर दो। लिखो जी फटाफट। लिखिए गाइस जल्दी से लिखिए।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ये सब कुछ किया, और मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने सीधा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 1 ग्राम पर ml दी है, ग्राम से ग्राम कट गया, आपके पास ml में आंसर आ गया। लिखिएगा फटाफट से, ओके गाइस आगे चले। ये है फाइनल आंसर, ये आपकी मोलारिटी। हो गया सवाल, बताओ कहीं भी दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना, ऐसे ही करना है हमको। यहां तो सिंपल कैलकुलेशन से की है बस, इसके तो हम खिलाड़ी हो चुके। डेंसिटी दे दो, कुछ भी पूछ लो, हम अपने आप निकाल लेंगे। चले आगे गाइस, हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चंस में से है। द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो जी अच्छी बात है, या तो जो कम पड़ जाए वो है, और जो कम होगा वो तो भाई पूरी रिएक्शन में जाएगा ही, तभी तो वो कम पड़ा। कम क्यों पड़ा? क्योंकि रिएक्शन में सारी खपत होगी उसकी। द रिएक्शन विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो जी अच्छी बात है, समझ में आती है। इन द रिएक्शन 2A+4B गिव्स 3C+4D। व्हेन 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ B देन विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा जी, A या B में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है? है। अच्छा बताओ ये इक्वेशन क्या बोलती है? ये इक्वेशन बोलती है प्यारे बच्चों कि 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ B। बोलती है कि नहीं बोलती है? अगर 2 मोल्स 4 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 4/2 मोल्स ऑफ B। यानी कुल पता देख के ही लगता है कि जितने भी A के मोल्स है उसके 2 गुने B के मोल्स होने चाहिए, यानी कि 1 मोल 4/2, यानी कि 2 मोल से रिएक्शन करता है।
अब आपके पास है 5 मोल ऑफ ए और 6 मोल ऑफ बी, देन 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 × 5 मोल्स ऑफ बी। यानी कि यहाँ से आपके पास आया कि भाई अगर आपको 5 मोल ए की रिएक्शन करवानी है तो बी के 10 मोल चाहिए होंगे। कितने मोल चाहिए होंगे? 10 मोल चाहिए होंगे। लेकिन आपके पास कितने अवेलेबल है? ओनली यू हैव 6 मोल्स। तो सबसे पहले लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? प्यारे बच्चों, इसमें लिमिटिंग एजेंट जो होगा वो होगा बी। कौन होगा? बी होगा। लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? बी होगा। यानी कि जो भी अमाउंट बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? बी के अकॉर्डिंग बनेगी। अब बताओ बी जो है, अब ये पूछ रहा है सी कितना बना, सी कितना बना। भाई अब ए का तो काम खत्म हो गया क्योंकि ए तो एक्सेस में पड़ा है, गवर्न तो रिएक्शन को बी करेगा क्योंकि खपत तो बी की खत्म हो जा रही है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा सी या डी वो किसके हिसाब से बनेगा? वो बनेगा इस बी के हिसाब से। किसके हिसाब से बनेगा? बी के हिसाब से बनेगा। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है 4 मोल्स ऑफ बी गिव्स 3 मोल्स ऑफ सी। 1 मोल कितना देगा? 3/4 मोल ऑफ सी, राइट। 1 मोल देगा 3/4 है। आपके पास कितने? 6 मोल। तो 6 मोल ऑफ बी कितना देगा? 3/4 इंटू 6 इक्वल्स टू 3/2। 3/3 जा 9/2। इट मीन्स 4.5 मोल्स ऑफ सी हमें इस रिएक्शन में गाइज मिलेंगे। एक रिएक्शन का आंसर तो ये रहा और एक आंसर यानी कि इसका आंसर तो है बी, बी इज लिमिटिंग एजेंट, और इसका आंसर है 4.5 मोल्स। ठीक है, लिख लीजिए। जो भी रिएक्शन बोलती है उसके हिसाब से लिखना है। रिएक्शन बोलती है ए के अगर 2 है तो बी के 4 होने चाहिए, यानी कि ए के जस्ट 2 गुने। भाई ए के तो आपके पास 5 है तो बी के कितने होने चाहिए? 5 × 10, 5×2 = 10। लेकिन है कितने? 6। तो बी क्या हुआ? लिमिटिंग एजेंट हुआ। अब यानी कि बी जो है वही प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि बी प्रोडक्ट इसलिए बनाएगा, भाई देखो ए तो मेरे पास एक्सेस में पड़ा है, ए और बी की रिएक्शन से सी ओ डी बन रहे हैं, अकेले नहीं बन रहे। बी अकेला सी ओ डी नहीं बना रहा, ए अकेला और सी ओ डी नहीं बना रहा, ए और बी की रिएक्शन से सी ओ डी बन रहे हैं। ए तो एक्सेस में है, कैसे में है? एक्सेस में, बहुत पड़ा होगा। भाई जब तक उस एक्सेस वाले के साथ ये बी आके रिएक्शन ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट थोड़ा ना बन जाएगा। जो एक्सेस में है, है अपने काम का कितना है? अपने काम का तो केवल बी का हिसाब है, यानी कि बी जो है वो काम करवाएगा। बी क्या करेगा? बी आएगा और बी ही प्रोडक्ट हमारे बनाएगा। यानी कि बी के जो है 4 मोल से 3 मोल बनते हैं, 1 मोल से 3/4 मोल बनेंगे। आपके पास है 6 मोल, कितने आपके पास? 6 मोल। तो 6 मोल से कितने बटेंगे? 3/4 × 6, 9/2, 4.5 मोल ऑफ सी। इसको लिख लीजिए गाइज, बड़ा अच्छा सवाल था। जो रिएजेंट एक्सेस में पड़ा जाता है उससे प्रोडक्ट्स नहीं बनते, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो गवर्न करता है कि प्रोडक्ट कितना बनना है। क्योंकि जो लिमिटेड अमाउंट में है, जिसकी अमाउंट फिक्स है, जो कम पड़ गया वही तो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। लिख लीजिए गाइस, जल्दी से लिखिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आज ये एक्सरसाइज गाइस हमें खत्म करनी है।
ये जो पार्ट है यहां से लेके इतना, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है गाइस, और यहां पे जो है वो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 2 × 5 कहाँ से आया? फर्स्ट पार्ट के लिए 2 मोल करते हैं 4 मोल के साथ, 1 मोल करेगा 4/2 यानी 2 मोल के साथ, तो 5 मोल कितना करेगा? 2 × 5 मोल के साथ, तो 4/2 को मैंने सीधा 2 लिखा है। ठीक है, बी के होने चाहिए 10 मोल लेकिन है केवल 6 मोल, कम पड़ गया बी, लिमिटिंग एजेंट है। चलेगा इस आगे चले, हो गया होगा ये 35 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन चले हुए थे वो हमने फिनिश कर लिए गाइस। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं गाइस 36 क्वेश्चन पे। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोलता है मैचिंग करने के लिए, क्या करने के लिए बोलता है गाइस? वो मैचिंग करने के लिए बोलता है। अब देखिए मैच करना है, 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स है या कितने मॉलिक्यूल्स है? आपको क्या करना है? आपको करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया है CO2 का 88 और मोलर मास होता है CO2 का 44। कितना होता है गाइस? 44, 2 टाइम्स कट गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास आए 2 मोल्स आए। क्या है गाइस? 2 मोल्स। कहाँ पे है 2 मोल्स? यहाँ पे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सही है बी पार्ट। उसके बाद चलते हैं गाइस आगे, सेकंड पार्ट की कहानी लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यू नो व्हाट? यू नो 1 मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यानी कि यहां से एक बात पता लगती है कि 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के पास कितने मोल है गाइज? 1 मोल है। कितने मोल है? 1 मोल है, यानी कि सेकंड के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है। उसके बाद चलते हैं बेटा जी आगे, थर्ड पोर्शन, थर्ड ऑप्शन, 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। क्या बोलता है? 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। इसमें भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जी, 1 मोल के पास
22.4 लीटर होता है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखोगे, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका रीज़न जो है वो मैं आपको फिफ्थ चैप्टर में समझाऊंगा, थोड़ा सा ये फिफ्थ चैप्टर से कोरिलेशन है वहाँ समझाऊंगा, लेकिन आप उसको ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि 22.4 लीटर के पास होता है वन मोल। कितना होता है 22.4 के पास? वन मोल होता है। वन लीटर के पास कितना होगा? 1/22.4 मोल। और बात किसकी करनी है? 5.6 लीटर की करनी है, तो इसके पास कितना होगा? 5.6/22.4। किसकी बात करनी है गाइज? 5.6/22.4। अब 56 से इसको क्या करते हैं गाइज, ये पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, क्लियर है? 56 से कंप्लीट 4 टाइम्स कट जाता है ये, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। क्या होता है गाइज? 0.25 मोल्स ऑफ O2, जिस भी स्पीसीज के लिए निकालते हो वही स्पीसीज, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आया वो आया ए। क्या आया गाइज? वो आया ए। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात थी वो बात ये थी कि आप इसको ध्यान रखोगे कि भाई 22.4 लीटर में एक मोल होता है किसी भी गैस का, किसी भी एटम का, क्लियर है? बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। किसकी बात करते हैं गाइज? फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 96/32, क्लियर है? 32, 32, 64, 64, 32, 3 टाइम्स, कितनी टाइम्स कटेगा गाइज? ये 3 मोल्स इसके पास है, यानी कि फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या है गाइज? ई ऑप्शन सही है। फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या है गाइज? ई ऑप्शन सही है। और फिफ्थ पार्ट बोलता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज 6.022 × 10^23 मोलिक्यूल्स, यानी कि ऑप्शन जो आपके आए वो आए, फर्स्ट के लिए ऑप्शन आपका आया बी, सेकंड के लिए आपका सही मैच आया सी, थर्ड के लिए आपका सही मैच आया, थर्ड के लिए आया सही मैच ए, फोर्थ के लिए सही मैच आपका आया 96 ग्राम ई, और फिफ्थ के लिए सही मैच आपका आया डी। ये है आपके गाइस आंसर्स। कर लीजिए इसको, एक एक पार्ट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखना इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है गाइस? लिख लीजिए। समझ में आया होगा, ये हार तो नहीं था। लिख लीजिएगा इसको फटाफट। इसको करिएगा इस फटाफट। आसानी था ये, हार्ड तो नहीं था, है ना? सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन भी आपसे नहीं पूछ रहा, और तो क्या चाहिए आपको बताओ, जिंदगी में सब कुछ ही तो करके दे दिया आपको।
इसको हटा देता हूँ। कर लीजिएगा इस फटाफट। तो कितना आसान था ये उल्टा पूछ लिया, थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, ये था बढ़िया सवाल, इसमें आया मजा थोड़ा सा करने में। इसको ध्यान रखना, शोभित, अनुग्रह, अंशिव, आरव, ज्योति, इनको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये, और इसका मतलब होता है ये, यहां से होगा ये सवाल, अदरवाइज नहीं होगा। हो गया होगा गाइस, इसको पॉज करके लिखो, मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉज करके लिखो उसको, पॉज करो, लिखो। अब चलते हैं गाइस 37 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं गाइस? 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 बोलता है ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये इनकी यूनिट्स है। अच्छा बताओ मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी की होती यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। उसके बाद बताओ मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल फ्रैक्शन जो होता है गाइस वो होता है यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन मोल बाय मोल का रेशो होता है और मोल से मोल कट जाता है और यूनिटलेस आ जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा गाइस डी। उसके बाद मोल क्या होता है गाइस? मोल। अब मोल की यूनिट क्या होती है भाई? मोल की यूनिट तो मोल ही होगी, मोल की यूनिट और क्या होगी? मोल को लिखते हैं इस तरह से मोल में, ठीक है गाइस। अब थोड़ा ब्लैक पेन का यूज करते हैं। मोलैलिटी, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। प्रेशर, एटीएम में भी होता है प्रेशर और न्यूटन पर मीटर में भी होता है प्रेशर। किस में होता है गाइस? प्रेशर जो है वो एटीएम में भी है और न्यूटन पर मीटर में भी है, यानी कि प्रेशर की हमारे पास एटीएम है, पास्कल है, पास्कल है, पास्कल में भी होता है, न्यूटन पर मीटर में भी होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हमने नहीं पढ़ी, लेकिन इसका होता है कैंडेला और ये तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, ये तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में। डेंसिटी, डेंसिटी होती है ग्राम पर एमएल। क्या होती है डेंसिटी गाइज? ग्राम पर एमएल, ठीक है। उसके बाद मास, मास होता है किलोग्राम में। आंसर जो आए मैं उनको यहां लिख देता हूं जिससे तुम्हें डिफिकल्टी ना हो। फर्स्ट का जो आंसर है वो है गाइस ई, क्या है? ई। सेकंड मोल फ्रैक्शन का आंसर जो है वो है डी। थर्ड, थर्ड मोल का जो आंसर है वो है बी। फोर्थ मोलैलिटी का जो आंसर है वो है जी। फिफ्थ, फिफ्थ के दो आंसर है, एक सी और एक एच, सी और एच। सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एफ, कैंडेला। सेवेंथ डेंसिटी, ए। और उसके बाद
एट्थ का है आई, ये है गाइस आंसर। कर लीजिएगा इसको, ये हमने मैचिंग वाले क्वेश्चन भी कर लिए। लिख लीजिएगा ये आंसर फटाफट। सारे के सारे आंसर्स आपके सामने, ये रहे। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ये केमिस्ट्री का नहीं है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को केमिस्ट्री में नहीं मेजर करते। हो गया होगा गाइज, सिंपल सही था है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन टाइप। एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, असर्शन और रीजन जो होते हैं एडवांस में पूछ जाते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए फॉलोड बाई ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, यानी कि ए कोई आंसर चीज है और उसका रीजन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइसिस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। असर्शन पढ़ो क्या है। असर्शन बोलता है द एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। देखो कि क्या ये सही है, क्या जो उसने असर्शन हमें मतलब बात बोली है वो सही है। इथीन क्या होती है, अब देखो आपने टेंथ क्लास में पढ़ना था ये सब कुछ, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ प्यारे बच्चों कि आपका कार्बनेट्स कंपाउंड्स को सिलेबस से हटा दिया, आधे से ज्यादा पोर्शन वहीं पे आता है। इथीन, इथ मतलब होता है उसके अंदर दो कार्बन है, और इन मतलब है वो सी एन एच टू एन को फॉलो करता है। आई थिंक मैंने भी आपको बताया है क्या फॉलो करते हैं, एल्कीन्स फॉलो करते हैं CnH2n। क्या फॉलो करते हैं गाइस, एल्कीन्स CnH2n। एथ के लिए आता है दो, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार। कितने हो जाएगा हाइड्रोजन, चार। ये तो आया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या आया गाइस, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मैं इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, CH2। ये तो मैंने आपको कराया भी है, सिंपलेस्ट रेशियो लिख देंगे CH2 आया। अब इसका जो मास है वो 12 + 2, 12 होता है कार्बन का, 2 होता है हाइड्रोजन का, दो के लिए 14 आया। और इसके लिए जो आया 12 × 24 + 4 = 28, इसका आया 28। यानी कि एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन, एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। 14 जो है वो 28 का एग्जैक्ट हाफ है, बात बिल्कुल सही है। रीजन है
द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट व्होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये तो डेफिनेशन मैंने आपको किसकी पढ़ाई थी, एम्पिरिकल फॉर्मूला की पढ़ाई थी, कि उसमें जो मोलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो भी कौन सा, व्होल नंबर। हम पॉइंट एम्पिरिकल यानी कि ये इंटीजर ही लेंगे, कंप्लीट फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेंगे, राइट। यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है जी, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों ही ट्रू है। इसको कर लीजिए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस में मिलेंगे आईआईटी एडवांस में, करिए गाइस। देखो कितना आसान सवाल था, ये मैंने आपके पास बुक भेजी हुई है, आपको ये अपनी पीडीएफ को खोल के ही सोल्व करने हैं। आप यहाँ से देख लेना कि मैंने क्वेश्चन के अंदर कौन सी ट्रिक लगाई है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर डालना। बुक आपके पास है, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। दो तीन पेज ही है इसमें, केवल क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सोल्यूशन का मत निकलवाइए, सोल्यूशन का फ़ोन में ही देख लीजिए। और सोल्यूशन तो मैं भी करवा ही रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या सर ने सही कराया कि नहीं कराया, मैंने तो आपके पास दोनों चीजें भेज दी है। हो गया, ये हो गया होगा, आगे चलते हैं गाइस, इसको फ्रीज करके लिखना, आगे चलते हैं। 39 की बात करते हैं, 39 जो है वो बोलता है एसरसन क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये बिल्कुल बात जो है वो सही है। कार्बन 12 आइसोटोप इज मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चूजन एज स्टैंडर्ड। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, कार्बन 12 जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास निकलवाया था, यहीं पे क्वेश्चन करवाया था हाइड्रोजन के लिए, और एवरेज एटॉमिक मास जब पढ़ाया था तब करवाया था कार्बन के लिए, आई थिंक वो 99% मिलता है। तो उसने बोला कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन, बात बिल्कुल सही है, एंड हैज बीन चूजन एज स्टैंडर्ड, इसी को स्टैंडर्ड तरीके से माना गया। और वन एटॉमिक मास यूनिट जो कि AMU जो था वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम ही था, यानी कि बोथ ए एंड आर बिल्कुल सही है, बट आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आया ये कॉन्सेप्ट तो एटॉमिक मास का है और ये कॉन्सेप्ट है कार्बन 12 कैसे मिलता है, यानी कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन गाइस इसका सही है, आर तो नहीं हो सकती करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। भाई मोस्ट अबंडेंट होने से ये AMU का थोड़ा ना कोई मतलब है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइन एज दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि यहां पे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये होता है 1 AMU = हर एक को कार्बन के रेस्पेक्ट में ही नापा गया AMU की स्केल में, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो तो कार्बन 12 तो बहुत पहले मान लिया था, ये आइसोटोप्स तो बाद में आए, इसके लिए तो एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है गाइज, एवरेज एटॉमिक मास की,
और ये दिया है AMU। एवरेज एटॉमिक मास अगर होता तो सही होता, AMU नहीं, AMU दिया है तो सही नहीं है, इसलिए R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लिख लीजिए इसको भी। अगर ऊपर AMU की जगह एवरेज होता या नीचे एवरेज की जगह AMU होता, आइसोटोप की बात ना करता, तो मैं इसको R को इसकी सही एक्सप्लेनेशन मानता, लेकिन अब नहीं मान सकता क्योंकि AMU और एवरेज एटॉमिक मास दोनों ही डिफरेंट है। आगे चलेगा, इस हो गया होगा 40 की तरफ बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 4.200 इज 3 एज फॉर 200 2000 इट इज 1। ना, गलत बात है, ये तो गलत है, ये तो ठीक है बात, यहाँ पे इसकी बात बनती है। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, यानी कि इस तरफ, एंड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जीरो एट द एंड, कोई नंबर लेते हैं 7, ठीक है, एंड और राइट ऑफ ए नंबर, एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड, दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। देखिए यहाँ आप कितनी भी जीरो लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो ए तो ट्रू है आर नॉट ट्रू है, ए ट्रू है आर नॉट ट्रू है, बट आर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, यानी कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए इज ट्रू एंड आर इज फोर्स, क्योंकि ए तो सही है, आर ना तो एक्सप्लेनेशन है और आर है भी गलत। उसने बोला कि हम अगर रख दे तो फर्क पड़ेगा, क्या बोला उसने, अगर हम रख दे तो फर्क पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। भाई आप इस 70 के इधर इधर देखो, आप 70 लो या 80 लो, आप 80.0 को या 70.0 क्या पढ़ोगे, 70 और 80 पढ़ोगे, दो जीरो लगाओगे, दो जीरो लगाओ तब भी इसको 70 पढ़ोगे, यानी कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कि नंबर लगाने से वो सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड कराता है, जबकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 70 है और इसकी गाइस वो 80 है। क्या है गाइस, इसकी 70 है और इसकी 80 है, इसलिए आर जो है वो गलत है, ए सही है, है ना, इसलिए मैंने आपको इसका थर्ड ऑप्शन लगवाया, जहां मैंने आपको बताया कि ए इसका सही है ना, और आर इसका गलत है, करेक्ट ऑप्शन।
ये था गाइज 40th क्वेश्चन, इसको देखना आगे करना, ठीक है। आज के लिए करते इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चंस आगे के बचे हुए करने हैं, डाउट मुझसे पूछना है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगती है कि ये आगे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको लिख लेना, पॉज करके लिखना फटाफट, आगे बताता हूँ कौन सा नहीं करना, ठीक है। 41 करना है, ये आपको 42 क्वेश्चन नहीं करना है, 42 क्वेश्चन नहीं करना है, ये फिफ्थ चैप्टर से है। किससे है गाइस? फिफ्थ चैप्टर से है, यानी कि 41, 43 और 44 और 45 ये क्वेश्चंस आपको घर से ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में अगर आपसे नहीं होता तो मैं कराऊंगा, वरना अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच गाइज़।